Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel viewers. Please don't forget to subscribe my channel. आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, मुझसे स्पेशल किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि तवा चिकन की रेसिपी बनाना सिखा दें, तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है. हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. आज की हमारी रेसिपी है तवा चिकन. इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद लेग के पीसेस. पूरे पूरे पीसेज हैं. आप इस तरह से अगर लेग पीस चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं. जिस तरह भी आप जो है वो चिकन लेना चाहते हैं, आप उस लिहाज से ले सकते हैं. लेकिन ये चिकन लेग जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आपने तवा चिकन बनाना है तो. अब इसमें हम जो स्पाइसेस यूज़ करेंगे, इसके 3 स्टेप्स हैं. 3 स्टेप्स में हम अपना तवा चिकन रेडी करेंगे. अब इसमें हमने 1 चम्मच भर के पेपरिका पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 अदद मैंने लिए हैं लेमन. अब सबसे पहले क्या करना है, इनके जो पीसीज हैं इनको हमने कट लगा देना है अच्छे तरीके से. फिर कट लगा के इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इसमें लगा देना है. इसको थोड़ी देर हम कोयले का दम दे के 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे. उसके बाद इसका हम फर्दर दूसरा स्टेप करेंगे. अब हम पीसीस लगा लेते हैं अच्छे तरीके से. पीस लगाएंगे, लगाएंगे पीसीस में. अब हम सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स करते हैं सारे स्पाइसेस को. अब इस पे हम कोयले का दम दे देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे. कवर करके रख देंगे. अब स्टेप 2 के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, कोयले का दम मैंने दे के रख दिया. उसको 3 से 4 मिनट के लिए बस हम देंगे, ज़्यादा देर आपने नहीं देना. अब इसमें जो हमने मज़ीद हमें चीज़ें चाहिए, हम स्टेप 2 करेंगे इसका. तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 कप मैंने लिया है दही. दही इसमें मेरी पुदीने की चटनी ऑलरेडी थी, पुदीने और धनिया को मिक्स करके उसकी चटनी बनाई थी और वो मैंने दही में डाल दी थी. सिंपल, वो आपको पता है कैसे करते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं थी. अब इसमें जो हमने स्पाइसेस यूज़ करने हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के गरम मसाला, सिर्फ 1/2 चम्मच हम लेंगे जावित्री पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक. अब क्या करेंगे, सारी चीज़ें मिक्स करेंगे दही में. इसका हम बना लेंगे एक पेस्ट. और जो चिकन के पीसीस को हमने दम दे के रखा हुआ है कोयले का, उसको फिर से हम मैरिनेट करेंगे. अब इसको हमने 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके रखना है. अब चिकन के जो पीसेस हमने लगा के रखे थे, अब ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया. अब इसमें हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रखेंगे. अब बिल्कुल रेडी है, हमने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है. अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे फ्रीज़र में, और ताकि ये अच्छे तरीके से जो है मसाले इसमें रच जाएँ सारे. अब इसके बाद फिर हम इसको पकाएंगे. अब मैरिनेट किए हुए चिकन को मैंने निकाला है थोड़ी देर बाद. अब इसको हम तवे पे बनाते हैं. मैं बताती हूँ कि हमने इसको तवे पे किस तरह से बनाना है. तो लेट्स स्टार्ट इट. अब यहाँ पे थोड़ी सी अदरक और लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया, इस तरह से चॉप्ड कर लिया है. अब इसको थोड़े से हम इसमें डालेंगे. इसको 2 मिनट सिर्फ हम पकाते हैं, उसके बाद इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे. अब थोड़ी सी साथ ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे. 2 मिनट इसको बस हम पकाते हैं, उसके बाद हम जो हमारे चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर डाल के लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है. तो बहुत मज़े का फिर आपका तवा चिकन बनेगा. राइट साइड इसको ब्राउन करने के बाद जो चिकन का पीस था इसको हम इसमें डालेंगे. इसको अब हमने क्या करना है, किसी भी आप नॉन स्टिक का जो कैप होता है, कोई भी आप कैप से इसको कवर करके रख सकते हैं. दस मिनट के लिए इसको हम रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे तरीके से ये पक जाएगा. ये आप देखें कितने मज़े का रेडी हो गया है. बस इसको हमने 5 मिनट और दम पे रखना है और हमारा तवा चिकन रेडी हो जाएगा. बहुत मज़े का तवा चिकन रेडी है जैसे आप देख रहे हैं. और मेरे साथ अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा. मुझसे ख़ास किसी ने रिक्वेस्ट की थी, नाइला ताहिर आई थिंक सो नाम था उनका. तो आप अपने रिव्यूज़ मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी. अगर आपने ट्राई की तो अपनी दुआ में याद रखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.